हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 12, जो इसका बेसिक्स वाला वीडियो है ना, उसमें हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, उसमें इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इंडिकेट करता है कि आगे की तरफ स्कूल है। इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड। तो जैसे कि इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, आपने देखे होंगे बोर्ड। तो इसके जो तीनों की तीनों साइड्स हैं ना, वो इक्वल हैं, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें गिवन है। अब हम लोगों को ह्यूरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए। इफ़ द पेरीमीटर इज़ दिस, पेरीमीटर हम लोग को क्या गिवन है? पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हम लोग को 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। हम लोगों का एक सिग्नल बोर्ड हम लोग को गिवन है, ठीक है, सिग्नल बोर्ड है जिसके सारी की सारी साइड्स हम लोगों को क्या दे रखी हैं कि ए है, और उसका हम लोगों को पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर हम लोगों को क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो हमारी बेसिक्स वाली वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा ह्यूरॉन्स फॉर्मूला होता है, उसमें हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ठीक है एस माइनस सी। और ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं आपस में? ये सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं। अब देखिए, जो एस क्या होता है, ये बेसिक्स वाला मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। एस जो होता है ना, एस होता है पेरीमीटर बाय टू, ठीक है। एस क्या होता है? पी बाय टू। तो यहाँ पर एस क्या होगा हमारा? 180 बाय टू, यानी कि अपना एस क्या आया है? अपना एस आया है 90। तो हमारा एस जो आया है वो क्या आया है? वो हमारा 90 आया है वैसे तो, ठीक है। बट हम लोगों को इस वाले केस में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस केस में हम लोग ना एस थोड़ा सा अलग तरीके से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा वे ज़्यादा हो जाएगा इजी करने का। बट बेसिकली हम लोग पेरीमीटर बाय टू करके निकालते हैं। और एस निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग को हर क्वेश्चन में लगाना है, वो है एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि एक ट्राइंगल है, ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी बाय टू, ये जो है ना, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? ये हमारा फॉर्मूला बनता है एस निकालने का। तो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे ए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे सब पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 3a बाय 2, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3a बाय 2 अपनी एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग एस की वैल्यू जो हमारी क्या आ गई, 3a अपॉन 2 हमारी आ चुकी है। फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का अपना फॉर्मूला क्या होता है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस क्या है हमारा? 3a बाय 2। और बाकी ये एस माइनस ए हमारा क्या है? ए हमारा मतलब साइड सारी की सारी हमारी ए है। तो यहाँ पर ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू सी, सब कुछ क्या है? सब कुछ ए है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू क्या आई है हमारी? एस की वैल्यू आई है 3a अपॉन 2। एस की वैल्यू आई है 3a अपॉन 2। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एस माइनस ए क्या हो जाएगा? एस माइनस ए हो जाएगा। एस की वैल्यू क्या है? 3a अपॉन 2 माइनस ए, है ना। फिर से यहाँ पे 3a अपॉन 2 माइनस ए, और फिर से सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, इस पे जो गई ना, अभी हम देख लेंगे दोबारा से। 3a माइनस 2 अपॉन a, ऐसे करके ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ये तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं? अपने सेम बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 3a अपॉन 2, और इस मैंने क्या बताया था, ये सारे के सारे अपने आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा सॉल्व करके a अपॉन 2 का होल क्यूब। अब कैसे हुआ यार ये देखते हैं, है ना, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, तो आप देखिए इतना आप लोग ना अपनी नोट कर लीजिए पहले,
कि हमारा ट्रायंगल था, ठीक है, ट्रायंगल है ए ए और ए, हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। फिर हमारा ये एस कैसे निकलता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से। तो यहाँ पर तो सारी की सारी साइड सेम है, ए प्लस बी क्या होती है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी, मतलब साइड्स होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ए प्लस ए बाई टू यानी कि थ्री ए बाई टू अपना आ गया था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और फिर ये सारी की सारी वैल्यूज़ ना हम लोग इनमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। एस की जगह थ्री ए बाई टू, फिर एस की जगह थ्री ए बाई टू माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये देखिए ट्रैफिक बोर्ड। हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया था कि ट्रैफिक बोर्ड जो है वो एक ट्रायंगल की शेप में है और सारी की सारी साइड्स जो हैं वो उसकी ए ए ए हैं। तो एस हम लोग कैसे निकालेंगे, ए प्लस ए बाई टू इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन ए, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। फिर एरिया हम लोगों ने फॉर्मूला रख दिया, क्या है एरिया का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं था, एस एस माइनस ए, फिर s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। तो s क्या है हमारा, थ्री ए बाई टू है, ठीक है, तो ये अंडर रूट में आएगा पूरा का पूरा, थ्री ए बाई टू। फिर क्योंकि देखिए ये यहाँ पे इनटू होता है तो इनटू लगा दिया, एस की जगह थ्री ए बाई टू और माइनस ए। फिर सारे के सारे क्योंकि सेम थे, सब ए ए है, तो थ्री ए बाई टू माइनस ए, थ्री ए बाई टू माइनस ए, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने ना इसको सॉल्व किया है, ये वाला थ्री ए माइनस ए अपॉन टू को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर, यहीं पर देख लेते हैं, देखिए थ्री यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको, थ्री ए माइनस ए अपॉन टू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन करके आएगा, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये अपॉन में ना सिर्फ इसके नीचे है फिलहाल के लिए, ये है थ्री ए अपॉन टू माइनस ए, क्योंकि थ्री ए एस माइनस ए ही तो है, तो देखिए थ्री ए अपॉन टू माइनस ए, तो ये टू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है ना, इसी तरीके से तो हम एलसीएम लेते हैं, तो थ्री ए माइनस टू ए, तो थ्री ए माइनस टू ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू, यही हो जाएगा ना, आ रहा है ना समझ आपको। तो देखिए इसमें कैसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये है ना ये चीज़, तो थ्री ए अपॉन टू माइनस ए, तो टू से टू ऊपर कैरी जाएगा, तो टू थ्री माइनस थ्री ए माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टू ए, थ्री ए माइनस टू ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, आगे वाले क्वेश्चन क्योंकि आपको फिर फॉर्मूला पता रहेगा, आपको वैल्यू पुट करना पता रहेंगे तो फटाफट से हो जाएंगे। तो हमने जब इसको पूरे को सॉल्व किया ना तो ए अपॉन टू आ गया, इसको किया सेम है तो ए अपॉन टू ए अपॉन टू ए अपॉन टू, और ये क्या था हमारा, ये है हमारा थ्री ए अपॉन टू, फिर इंटू ए अपॉन टू है ना, इंटू ए अपॉन टू और इंटू पे ए अपॉन टू, ये है ना। तो कितने ए हो गए, वन टू थ्री फोर, फोर ए हो गए, कितने टू हो गए, वन टू थ्री फोर, फोर टू हो गए, बट थ्री एक ही है, ठीक है, अब थ्री एक ही है। तो अब ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। अब मैं रूट सॉल्व करना बताती हूँ आपको, ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब रूट होता है ना, रूट के अंदर जब भी अगर हमारे पेयर्स बने, सपोज़ करिए ये हमारी वैल्यू आ रही है रूट के अंदर, अब देखिए दो टू है ना, दो टू हैं, ठीक है, तो ये टू क्या होगा, ये एक बन के टू बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर सिर्फ थ्री रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ अकेली होती है ना वो अंदर रूट में ही रह जाती है, और जो चीज़ पेयर में होती है ना वो बाहर निकल जाती है और दो की जगह एक लिखा जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है, आप लोगों को याद रख लेना है। इसलिए क्या हुआ, क्योंकि ए ये देखिए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो देखिए एक पेयर ए का ये बन गया तो एक पेयर ये बन गया, तो इस पेयर में से एक ए बाहर निकलेंगे और इस पेयर में से एक ए बाहर, तो दो ए बाहर आ गए। और ये देखिए टू और टू, टू टू के दो पेयर बन रहे थे, तो ए दो, एक पेयर का एक टू और एक पेयर का एक टू, ठीक है। तो ये जो जो पेयर में बन रहे थे तो ये तो हम लोगों ने इस तरीके से बाहर लिख दिए। अब अंदर क्या बचा, ये देखिए रूट थ्री, सिर्फ रूट थ्री जो है वो अकेला बच गया था, है ना, तो थ्री ऐसे करके, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर इसका आ जाएगा रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और टू इंटू टू क्या आ जाएगा, अपॉन का फोर, और ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री। तो आंसर अपना आ जाएगा रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया। अब हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालने के लिए भी बोला गया था, तो पेरीमीटर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में निकाल के दिखा दिया था, है ना। तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर
हम लोगों का सॉरी पेरीमीटर तो हमें गिवन है, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ईच साइड की वैल्यू। तो पेरीमीटर हम लोग को क्या गिवन है, 180। तो ए प्लस ए प्लस ए अपने को क्या गिवन है, 180 गिवन है, ठीक है। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को हमें अकेला छोड़ना होगा, 3 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 अपॉन 3 यानी कि 3 6 18, तो आंसर क्या आ गया, 60 हमारा आंसर आ गया। तो पेरीमीटर हम लोगों ने कैसे निकाला, ये देखिए ये हमारा पेरीमीटर है यहाँ पर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था, 180। फिर हम लोगों को ए की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ए की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन है। तो ए प्लस ए प्लस ए 180 है, तो ए प्लस ए 3a हो गया इज इक्वल्स टू 180। तो ए जो ए के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो इधर जाके डिवाइड, तो 180 अपॉन 3 यानी कि 3 6 18। तो ए की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे जो 60 आ गई है, अब इस ए की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। आप ए की वैल्यू को रख देंगे उधर, तो हमारा क्वेश्चन था 3/4 √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 60 आई थी, तो आप क्या रखोगे, 3/4 इंटू 60 इंटू 60। तो 6 6 36, तो यही 36 लिखा गया है हम लोगों ने यहाँ पे। अब बट ये देखिए 4 से कट जाएगा 36, है ना, 3 6 0 0 आया हमारा, तो ये हमारा 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 9 का क्या होता है, 36। तो ये हो गया 900, वर आंसर आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में 11 मिनट लग गए, तो एक्चुअली क्योंकि हम लोगों का बेसिक था ना अभी पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने एक एक चीज़ बार बार देख करके समझी है, इसलिए इसमें इस वाले क्वेश्चन में अपने को टाइम लगा है। अब आगे के क्वेश्चन में जो है हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। आपको फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आ गया होगा समझ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक ट्राइंगुलर साइड वॉल, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। देखिए फ्लाईओवर ऐसा है, ये देखिए फ्लाई ओवर है ऐसे करके, ये ट्रायंगल की शेप बन रही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की शेप बन रही है, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 22 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो साइड्स जो हैं क्या क्या हैं इसकी, देखिए ये 122 है, अच्छा इसमें गड़बड़ है, ये 122 है एक साइड, ठीक है, और एक जो है 120 है, और एक जो है ये अपना ट्रायंगल, अच्छा ये वाला ट्रायंगल की निकालनी है हमें, इसकी ये जो प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की हमें क्या निकालना है, एडवर्टीजमेंट ईल्ड। हाँ तो इसमें हम लोगों को बोला गया है कि द साइड्स हमें ये गिवन है, द एडवर्टीजमेंट ईल्ड एंड अर्निंग ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक मीटर स्क्वायर के लिए एडवर्टीजमेंट को इतना पैसा मिलता है, 5,000, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने लगभग एक इधर वाली वॉल जो है वो 3 महीने के लिए हायर करी है, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो जो पोस्टर होता है वो तो क्या लगता है, पूरे के पूरे वॉल पे लगता है ना, तो इस पूरे के पूरे ट्रायंगल पे पोस्टर लग रहा होगा, है ना, इस पूरे ट्रायंगल पे लग रहा होगा। अब बताइए ज़रा, जो पूरे के पूरे चीज़ को एरिया को कवर करता है तो वो तो एरिया ही होता है ना, क्योंकि वो पूरे सरफेस को कवर कर रहा है तो वो एरिया है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आज तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट था, राइट, बट वो क्या था ना, वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। जब 90 डिग्री होता है तो आप लोग हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हैं, पर जब तीनों साइड्स ऐसी होती है ऐसे करके प्रॉपर ये तिकोना ऐसा ट्रायंगल बन रहा होता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। फिर जो एरिया का आंसर आएगा उसको हम लोग 5000 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को आंसर अपना निकल आएगा, ठीक है। और हमें 12 महीने, मतलब हमें तो 3 महीने के लिए निकालना है, क्योंकि जब हम लोग अगर एरिया को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा 12 महीने का निकल के आएगा, बट फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3 महीने के लिए निकालना है ना। चलो अभी आगे देखते हैं, पूरा समझाएंगे अच्छे से कैसे होगा, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि वो बिल्कुल साइड वाला जो है वो निकालना है। तो लेट, हम लोग का ट्रायंगल ऐसे करके बन रहा था, तो एक साइड 122 गिवन है, एक 22 गिवन है, और एक हमें 120 गिवन है, ठीक है। तो एक हमने, ए को हमने 122 मान लिया, बी को हमने 22 और सी को हमने 120। अब हम इसमें से एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकलती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना, इसी तरीके से एस की वैल्यू निकलती है। ये तीनों हमने कैसे लिए, ये तीनों हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन थे ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे गिवन है ना, ये देखिए। तो एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया। फिर हम लोगों ने एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ये देखिए यहाँ पर s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 132। आप लोग करके देख लीजिए, देखिए ठीक है। अभी मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको ये सॉल्यूशंस करके दिखाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हमारे एस निकालने का फॉर्मूला है, तो आंसर एस का 132 आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। एरिया होता है हमारा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये अपना एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट सब कुछ एक साथ लिख दिया है, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एस माइनस ए अलग से करें, एस माइनस बी अलग से करें और एस माइनस सी अलग से करें, फिर उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, चॉइस आपके पास है, आप जैसे करना चाहें आप लोग वैसे उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आई है, 132 आई है, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखिए ये देखें ज़रा एस की वैल्यू क्या आई है, 132। हम लोग फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू रखते हैं, तो 132 ठीक है, ब्रैकेट में 132 माइनस ए की वैल्यू क्या है, हमारे ए की वैल्यू है 122, 132 माइनस 122, फिर एस माइनस बी, तो 132 जो है एस की वैल्यू, 132 को फिर हम लोग किससे माइनस करेंगे, ये देखिए सॉरी 132 माइनस करेंगे हम लोग 120, है ना, 120 हमारे बी की वैल्यू है, फिर से हम लोग 132 माइनस क्या करेंगे 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपना बनेगा 132, ठीक है, क्योंकि ये सब इनटू में होता है, तो इनटू 132 माइनस 122 क्या आता है, सिंपल सा है, 10 आ जाएगा। फिर 132 माइनस 120 क्या बनेगा, 12 बनेगा, और 132 माइनस 22 क्या बनेगा, 110 बनेगा आप लोग, क्योंकि 2 से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो 1 और फिर 1 आगे लगा हुआ है, तो हमारा ये अंदर की तरफ बच गया, क्या बचा हमारा, ये देखिए यहाँ पर मैं 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110, अब ये हमारा बचा है। अब बात आती है कि ये चीज़ सॉल्व कैसे करी जाए, ठीक है। अब यही चीज़ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ में हमारे चक्के छूट जाते हैं, है ना, तो ये चीज़ समझ रहा है, अब मैं आपको ये समझाऊंगी कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, इतना आ गया, हम लोगों ने देख लिया था। अब आपको क्या करना है, आपको सबके करने हैं फैक्टर्स, ठीक है, 132 के फैक्टर्स करने हैं, 10 के फैक्टर करने हैं, 110 के फैक्टर करने हैं और 12 के फैक्टर करने हैं। अब 132 का फैक्टर आप कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 132 का आएगा 2 6 12 है ना, और 2 6 12 क्या कर रहा है, 132 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल 2 6 12 और 2 6 12, तो क्या आ गया 66। अब 2 से अब तो डायरेक्ट कर लेंगे ना, 2 3 6, अब 3 से होगा ये, 3 1 3 और 11 से होगा आप ये, तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, अपने फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 11, हमारे 132 के फैक्टर्स ये आ चुके हैं। या फिर अगर हम लोग इसको हल्का सा शॉर्ट में कर लें तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 3 2 6 6 2 12, यानी कि इसको एक साथ कर लीजिए तो 12 × 11, तो क्या क्या फैक्टर्स बन गए हमारे, हमारा फैक्टर बन गया इसका 12 × 11, ठीक है, 12 × 11 हमारा 132 का फैक्टर बन गया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 2 × 3 2 × 2 × 3 × 11, ये ना 132 का अभी हमने देखा था ना, यही तो आया था 2 × 2 × 3 × 11। अब 10 है, 10 का तो आप लोग को पता ही है, 5 × 2 आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं, 5 × 2 कर लिए 10 का, 110 का आप लोग क्या कर सकते हैं, 110 का भी बिल्कुल सिंपल है, 110 को यहाँ पे छोटा सा करके दिखा देती हूँ, 110 11 से कर लीजिए पहले तो, ठीक है, 11 1 11 और 0 है ना, 5 2 10 और 2, तो क्या है 110 के फैक्टर्स 2 × 5 × 11, है ना, तो ये आ गए। अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे करके देख लीजिए, या फिर वैसे तो ईजी है, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 3, ठीक है, तो 2 × 2 × 3, तो 12 के फैक्टर्स अपने ये आ गए। अब सबके फैक्टर्स हो गए, अब क्या करना है, अब है पेयर बनाना फैक्टर्स, हम लोगों ने 132 के फैक्टर्स ये आ गए, 10 के फैक्टर्स ये आ गए, आपको किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं मिलने वाला मल्टीप्लाई करके, 132 के फैक्टर्स ये, 10 के फैक्टर्स ये, 110 के फैक्टर्स ये, 12 के फैक्टर्स ये, अब इनके पेयर बनाओ, 2 देखो यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है तो एक बार उतार दो, अब देखो यहाँ पे भी 2 बार 2 आ रहा है, एक बार उतार दो ये, अब देखो 2 बार 11 आ रहा है, 2 बार 11 आ रहा है,
एक बार उतर गया अपना 11 भी, यहाँ देखो दो बार 3 आ रहा है, दो बार 3 आ गया, ठीक है, तो एक 3 उतर गया, फिर से एक और एक 5 यहाँ पे भी आ गया, दो बार 5, दो बार सॉरी 2 आ गया, तो एक बार उतर गया और अपना 5, तो ये उतर गया। तो मतलब क्या करना है, सिंपली आप देखो सारे के सारे जो एक जैसे हैं ना उनको सबको एक साथ लिख दीजिए, 2 × 2 है ना, ये 2 है, ये एक और 2 है यहाँ पर, और कहीं 2 है, ये रहा 2, ये भी उतार दो, और ये 2 2 हैं, ठीक है, तो ये 2 उतर गए अपने, 3 है क्या, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, 3 उतार दो एक साथ। अब 11 है क्या, हाँ है, दो बार है, दो बार लिख दो। अब 5 है, दो बार है, दो बार लिख दो। अब पेयर बनाओ, ठीक है, जैसे बचपन में करते थे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के 2 पेयर बन रहे हैं ना, तो 2 को 3 बार लिखा जाएगा, सॉरी 2 के 3 पेयर बन रहे हैं ना, दो गलती से बोल गया था, 3 पेयर बन रहे, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये देखिए ये एक पेयर है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, है ना, एक बार कलर चेंज करके दिखा देती हूँ मैं आपको, चलिए एक पेयर अपना ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये 3 का पेयर ये रहा, 11 का पेयर ये रहा, 5 का पेयर ये रहा, तो क्योंकि इसको छोड़, इसको देखो 1 2 3 तीन बार 2 आ रहा है ना, 3 बार 2 के पेयर आ रहे हैं, तो 2 × ठीक है 2 × 2 × 2 हाँ, और एक बार 3 आ रहा है, तो एक बार 3, एक बार 11, मतलब दो बार, एक बार 3 का पेयर आ रहा है ना, एक बार 11 का पेयर आ रहा है और एक बार 5 का, तो हमारा ये आ जाएगा, देखिए 1 2 3 तीन बार 2, 3 एक बार आ रहा था, 5 भी एक बार और 11 भी एक बार, एक बार आ रहा था का क्या मतलब है कि इनका एक पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है मतलब 11 दो बार आएगा, तो एक बार पेयर बन रहा है इनका, तो जो एक बार पेयर बनता है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो आया है ना, ये इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखा कि इनकी पेयरिंग कैसे करते हैं, इनके पेयर्स कैसे बनाते हैं, एक साथ लिख लेना है इन ये दोनों, इसके अलावा ये आ गया, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 के लिए, सॉरी वो स्क्रीन कैप्चर हो गया था, ठीक है, तो इसके 2 ये वाले 2 के लिए, ये वाले 2 के लिए एक ही वाला 2 और इन दोनों 2 के लिए ये वाला 2, इस 3 और इस 3 के लिए 2 3 हैं, 2 3 के लिए 1 3, 2 11 है, 2 11 के लिए 1 11, 2 2 हैं, 2 2 के लिए 1 2, सॉरी 2 5 हैं, 2 5 के लिए 1 5। अब ये आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके अपना क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 8 और 11 × 3 33 और 5, ठीक है 33 × 5, 8 5 जा 40, 40 × 33 आ गया 1320, तो 1320 तो हमारा एरिया आ गया। अब 1 मीटर पर स्क्वायर, अगर 1 मीटर पर स्क्वायर की जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में वो है 5000, तो 1 मीटर पर स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को 5000 गिवन है, ठीक है, कितने की, 1 मीटर पर स्क्वायर की, हम लोगों को तो इतने की निकालनी है 1320 की, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ये पर मंथ की, एक महीने की वैल्यू आएगी, हम लोगों को निकालनी है 3 महीने की, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने की निकालने के लिए ये जो आया है ना, 3 मंथ्स की निकालने के लिए, इसको हम लोग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, तो हमने क्या किया इसको 5000 × 1320 × 3/12, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व क्या करना है, 3 4 जा 12, अपॉन में 4 आ गया, अब 4 को 4 इससे कट जाएगा है ना, 4 और 4 2 जा 12, हाँ 1320 भी 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 है ना, और 4 3 जा 12 और 0 ऐसे ही, तो हमारा बच जाएगा ये 330 × 5 1 2 3, तो 5 4 0 तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, ठीक है, और 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 16 165 16540, तो आंसर आ जाएगा अपना 16540, आ रहा है ना समझ आपको, होपफुली आ ही गया हो, नहीं आया होगा तो भाई एक बार बता देना, फिर अलग से दोबारा से बना देंगे वीडियो, ऐसे तो आ ही गया होगा, कैलकुलेशन ही तो करनी है, क्योंकि 1 मीटर पर स्क्वायर का ये था, तो 1320 के लिए हमने 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक महीने का हमारा 12 से डिवाइड कर रहे थे हम, तो 3 महीने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, क्यों ये 3/12 क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने 3 महीने के लिए निकालना है, तो इसको हम लोग 3/12 कर देंगे, और इससे पहले मैंने आपको ये वाली कैलकुलेशन समझाई थी कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं खैर आगे के वीडियोस में भी समझाती रहूँगी।
तो फाइनली हो गया कंप्लीट, दो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया बट क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझाने वाला है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।